हेलो दोस्तों, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एसटेट 2018 पीआरटी सिलेबस। पहले थोड़ी देर पहले टीजीटी का फार्मूला डाल दिया है कि किस तरीके से पेपर आएगा, कहां कहां से कितने कितने क्वेश्चन लिए जाएंगे और क्या आपको तैयार करना है। अब बात कर लेते हैं पीआरटी वालों की, क्योंकि दोस्तों पीआरटी में है ना, सीटेट हो, केवीएस हो, एसटेट हो, थोड़ा थोड़ा अंतर वो कर देते हैं और खास करके सब्जेक्ट वाले पोर्शन में तो जरूर करते हैं। तो आज हम एसटेट 2018 के अंदर जो साथी पीआरटी के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है करेंगे, उनकी एक बार बात कर लेते हैं कि पीआरटी के अंदर क्या क्या लॉजिक इन लोगों ने अब की बार एसटेट में दिए हैं। सबसे पहली बात तो न्यू सिलेबस है एंड एग्जाम पैटर्न जो है डिस्क्राइब कर दिया गया है भिवानी बोर्ड के द्वारा, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा के द्वारा, जिसे हम BSES कहते हैं। लेवल वन के लिए है दोस्तों स्कीम स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमा टीचर पीआरटी, यानी पीआरटी के लिए फर्स्ट क्लास से लेकर के फिफ्थ क्लास तक के जो टीचर होते हैं उनके लिए ये सिलेबस है। अब इसमें अगर आप देखते हो तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 ही होंगे, मार्क्स भी आपके पास 150 ही होंगे और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम भी आपको 2.5 आवर यानी 2.5 घंटे का होगा, जिसे आप कह सकते हैं 150 मिनट होगा। 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स और 150 मिनट्स आपके पास होंगे। अब इसमें उन लोगों ने इसको भी पांच हिस्सों में बांटा है, पोर्शन नंबर वन, पोर्शन नंबर टू, पोर्शन नंबर थ्री, पोर्शन नंबर फोर और पोर्शन नंबर फाइव। अगर इसमें आप देखते हैं तो ये स्टार्टिंग के जो नंबर नंबर है ना, ये जो 90 नंबर हैं, ये आपके कॉमन हैं। चाहे आप पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपको टीजीटी फेस करना है या फिर आपको पीजीटी भी देना है, तीनों के लिए आपके लिए ये कॉमन रहेगा। अब आगे बात करते हैं इसके अलावा क्या रहेगा। पहले कॉमन में देख लेते हैं, 30 नंबर की पैडागोजी रहेगी, जिससे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोगों को इसको बड़ा अच्छे तरीके से तैयार करना है। दूसरे पोर्शन में 30 नंबर का दोस्तों लैंग्वेज रहेगा, जिसमें हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज के 15-15 क्वेश्चन होंगे, और अगर आपने इसके साथ कोई अलग लैंग्वेज भरी है तो उससे ये ऐड हो जाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। तीसरे पोर्शन में दोस्तों इन लोगों ने जीएस को डाला है, जिसमें मैथ, रीजनिंग का पोर्शन और हरियाणा जीके प्लस करंट अफेयर, ये आपके दो पोर्शन यहाँ हैं। अब इसमें मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जीके और करंट के 10-10 क्वेश्चन के पोर्शन से 30 क्वेश्चन यहाँ रखे गए हैं। अब चौथे नंबर पे बात करते हैं मैथमेटिक्स की, इन्होंने 30 नंबर का मैथ इसमें दिया है। देखो ये वाला अलग होगा पोर्शन, यहाँ वाला अलग होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट कंसर्न है। ये जो 60 नंबर है ना, 4 नंबर वाले में और 5 नंबर वाले कॉलम में, ये जो है ना ये सब्जेक्ट कंसर्न है, और सब्जेक्ट में इन लोगों ने सिर्फ मैथ और ईवीएस को रखा है। लेकिन यही अगर हम केवीएस की बात करेंगे तो वहां मैथ तो है ही है, ईवीएस तो है ही, बट उसके साथ साइंस का भी पोर्शन होता है। लेकिन इसलिए आपको अलग अलग बोर्ड के हिसाब से तैयारी करनी है, ऐसा ना हो कि यहाँ आप उस पोर्शन में लगे रहो और आपके उस पोर्शन से क्वेश्चन ना आने हो, किसी और पोर्शन में आपको नुकसान हो जाए। तो इस तरीके से आपको 150 नंबरों से गुजरना है। 30 नंबर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, 30 नंबर लैंग्वेज के हिंदी और इंग्लिश के 15-15, 30 नंबर आपके जीएस में होंगे मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जीके और करंट के, 30 नंबर मैथ के अलग स्पेशल आपका पीआरटी का मैथ जो होता है, और पांचवे नंबर पे पांचा खासकर 30 नंबर में एनवायरमेंट स्टडी होगी, जिसमें ईवीएस प्लस इकोलॉजी के पोर्शन होते हैं। अब दूसरी बात, इनके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। सिलेबस को आपने बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार करना है। जिन साथियों को स्टडी मटेरियल चाहिए हम बाई कोरियर ऑल इंडिया में देते हैं, जिन साथियों को पीडीएफ में चाहिए वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। सभी को स्टडी मटेरियल समय समय पर जरूर दिया जाएगा, वीडियो से द्वारा, ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा आप लोगों की पूरी मदद की जाएगी। ये नंबर है, इस नंबर पे अपना सब्जेक्ट और अपना नाम लिख करके आप सेंड कर दीजिए, ताकि आप लोगों के नंबर को सेव कर लिया जाए और आने वाले समय में डे टू डे जो मटेरियल जाता है ब्रॉडकास्ट के थ्रू वो आपको जानकारी दे दी जाएगी। और सबसे पहले मेन बात ये रहेगी, जुट जाइए, शुरू हो जाइए, टाइम बहुत कम है, क्योंकि सीटेट भी देना है, डीएसएसबी के बाद अब सीटेट आपने देना है,
केवीएस आपको देना है, एस्टेट आपको देना है, टाइम पीरियड बहुत कम है एक दूसरे के बीच में, तो एक थोड़ा सा कॉम्बिनेशन के साथ तैयारी कीजिए, बैलेंस के साथ कीजिए, ताकि आने वाले एग्जाम को आप लोग क्रैक कर पाओ। और जल्दी ही आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर मिलते हैं, तब तक आप मेहनत करते रहिए।